हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। आज की वीडियो है हॉल के रिलेटेड है। आज मैं आपको अपना जो हॉल है जहां मैं गेम करता हूं उसका टूर करवाऊंगा। और काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं मेरे जो दूसरा चैनल है बैडमिंटन मोटिवेशन पे कि किस तरह पार्टिसिपेट किया जाए नेशनल में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना एंड तक, तो सारे जो है सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में भी दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको जो अपना हॉल है जहाँ मैं गेम करता हूँ वो उसका मैं आपको थोड़ा सा टूर करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, ये कोर्ट है, सिंगल कोर्ट है और नीचे जो है वो वुड है। ये कोर्ट है, वुडन कोर्ट है और इसकी हाइट भी काफ़ी है, अच्छी है। और ये प्राइवेट हॉल है, तो इसमें सिर्फ प्राइवेट आते हैं, मतलब मेंबरशिप वगैरह वाला कोई सीन नहीं है। तो इस हॉल में जो टॉप प्लेयर हैं सियालकोट रीजन के, वो इसमें खेलते हैं, जो पाकिस्तान लेवल पे खेलते हैं, जैसे कि अंजुम बशीर, आमिर सईद एंड इंक्लूडिंग मी। इस हॉल में काफ़ी इवेंट्स होते थे पहले, 2012, 13 और 14 में नेशनल इवेंट्स होते थे। अब जो है काफ़ी कम इवेंट्स होते ही नहीं है इस हॉल में। तो ये जी हॉल है, अब मैं आपको इसके जिम के बारे में दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा लाइट वेट जिम है जिसमें ये साइकिल भी है। और वेट की बात की जाए तो ये वेट है, ये ट्रेडमिल है और ये थोड़ी सी मशीनरी है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं आप जिम के लिए जो बैडमिंटन के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये आप देख सकते हैं। और इस हॉल का नाम है माइक्रो बैडमिंटन क्लब, माइक्रो बैडमिंटन कॉरपोरेशन। उसके बाद आपको मैं उधर दिखाता हूँ, ये ऑडियंस के लिए, ये कंस्ट्रक्शन हुई है, पहले ये नहीं था होता जिम वगैरह ना, वो ये भी इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। ये आप वीडियोस में भी देखते हैं, काफ़ी मैचेस की वीडियोस हैं बैडमिंटन मोटिवेशन जो यूट्यूब चैनल है, आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सपोर्ट हो सके। ये भी सीटिंग एरिया, ये देख सकते हैं आप। और ये एक अदद वॉशरूम है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस हिसाब से स्कोप नहीं है बैडमिंटन का जैसे बाकी कंट्रीज़ में है। अब तो इंडिया भी बहुत ऊपर चला गया। और ये एक अदद सर्दियों के लिए, आजकल सर्दियाँ गैस चली जाती है क्योंकि पाकिस्तान 8 बजे वैसे ही गैस चल जाती है, 10-15 मिनट ही चलता है। तो ये था हॉल, ये अब आपको इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है फिटनेस के लिए, इमरान भाई हैं उन्होंने, ये प्राइवेट हॉल है, काफ़ी प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया हुआ है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी अच्छी फैसिलिटी हमें दी हुई है। अब बात की जाए, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे ना, तो मैंने कहा चलें उन मैसेजेस का इस वीडियो में ही आपको मैं जवाब दूंगा कि किस तरह जो है नेशनल में पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि अभी फ्री टाइम है, कोई भी नहीं आया अभी हॉल में, सर्दी काफ़ी है, लेट ही आते हैं सारे। तो अगर आप बात करें आपने नेशनल में पार्टिसिपेट करना है तो स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं आपको अपनी स्टोरी की बात बताऊँ, मैंने लेट शुरू की थी गेम, 2015 में मैंने शुरू की थी गेम, 2015 के लास्ट में जब मैं सेकंड ईयर में था, काफ़ी लेट शुरू की, वो भी आपको उसकी मैं ना इंशाल्लाह एक प्रॉपर उसकी वीडियो बनाऊंगा किस तरह मैंने शुरू की, क्या क्या हुआ, तो वो मैं कुछ देर तक ना इसमें इसी चैनल पे डालूंगा वो वीडियो। तो उसको अब एक पार्ट पे रखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2015 में शुरू की थी गेम, तो मैंने पार्टिसिपेट, आपको मैं बताता हूँ कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने कॉल की, अंडर 19 थी तब, मैं अंडर 19 में था तो मेरी फिर एंट्री नहीं हो सकी। मैंने डायरेक्ट कॉल की फेडरेशन को, तो उन्होंने एंट्री नहीं की, उन्होंने कहा आप किस रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, आप पहले अपने जो है ना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनसे कॉल करवाएं। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आपकी एंट्री करवाएंगे या क्या सीन होता है। तो अब
अब मैं आपको सीधा सा प्रोसेस बताता हूँ। नेशनल जो होती है ना, नेशनल से पहले जैसे सूबे हैं, प्रोविंस, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, ठीक है, उसके बाद कश्मीर, ये मतलब पाकिस्तान के प्रोविंस हैं जिनको डिपार्टमेंट नहीं लगे होते। जैसे अब मुझे डिपार्टमेंट है आर्मी का वापडा, जिसको डिपार्टमेंट नहीं लगा वो क्या सीन होगा कि वो प्लेयर जिनको डिपार्टमेंट नहीं लगे, जो प्रोविंस की तरफ से खेलना चाहते हैं, उनके पहले ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, उसको वो ट्रायल्स का नाम देते हैं पंजाब ट्रायल्स, ठीक है। वो आप मोस्टली जो पंजाब ट्रायल्स हैं वो लाहौर में होते हैं, मैं पहले पंजाब की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं अब पता केपीके में भी यही सीन होता होगा और सिंध में भी यही होगा। तो वो सबसे पहले देंगे ट्रायल्स पंजाब टीम के, पंजाब टीम में से टोटल लड़के उनके फंड के मुताबिक वो मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, पाँच। हमारा जब वक्त था तब लड़के होते थे चार भी होते थे फंड के हिसाब से, जैसे अगर लाहौर हो ना आप, क्वेटा में अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो फिर उस हिसाब से वो करते थे। तो चार लड़के सेलेक्ट करते हैं तो वो चार की एंट्री पंजाब की तरफ से नेशनल में चली जाती है, ठीक है। तो उनको वो आने जाने का जो फेयर होता है TADA और उधर खाने पीने का, वो आपको पता ही है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं अपने पॉकेट से। तो वो होगा आपका, और बाकी जो प्लेयर्स ट्रायल्स में आते हैं उनमें से जो कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनकी वो एंट्री कर देते हैं, उनको कहना पड़ता है कि हमारी जो है ना एंट्री कर दें, लेकिन वो आपको अपने एक्सपेंस पे आना पड़ता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर आप वो अगर आप जा रहे हो पंजाब की तरफ से, आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन के ऑफिसर हैं ना, जो फेडरेशन के ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनको कहें आपके आपकी जो एंट्री है ना वो उस ट्रायल्स में करवा दें। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपको एंटर होने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है, बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा कि मैंने कैसे गेम शुरू की थी और क्या सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं इस हॉल में आया और कैसे, ये मैं आपको सारी इंशाल्लाह एक दिन ना कुछ दिन तक मैं आपको प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने शुरू की और क्या सारा सीन है। तो बाकी अभी नेशनल आ रही है, काफ़ी थोड़े दिन ही रह गए तो देखें, बाकी सर्दी है कोई भी नहीं आया, छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, गेम थोड़ी नॉर्मल ही होती है। तो आपको मैं फिर वीडियो में बताऊंगा, आपने ये सब्सक्राइब कर दें लाजमी, तो इंशाल्लाह फिर गपशप लगेगी। बाकी बैडमिंटन का, आपको बैडमिंटन के स्कोप के बारे में भी बताऊंगा, क्या आपको बैडमिंटन फ्यूचर के लिए खेलनी चाहिए या आप इसको एज अ फिटनेस ले सकते हैं, ठीक है, उसकी भी मैं आपको एक अलहदा वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो पर अब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी।